कमल पद यात्रा के समापन के मौके पर गोवर्धन कस्बे में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और पार्टी समर्थकों ने दान घाटी मंदिर से सभा स्थल तक कमल पद यात्रा निकाली। इस बीच श्रीकांत शर्मा ने गिरिराज महाराज के दर्शन कर मनौती मांगी। वहीं कस्बे के बरसाना रोड स्थित एक निजी गार्डन में एक जनसभा को भी संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता कविवर देवकी नंदन कुमेहरिया ने की। सभा के प्रारंभ में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रपट पर माल्यार्पण किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री का दुपट्टा और फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग और कस्बे में एनजीटी न्यायालय के आदेश में न कोई सरकार न कोई मंत्री हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन एनजीटी न्यायालय के आदेश के बाद जो स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है उसके लिए विकल्प निकाले जा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं मंत्री ने सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों से भी अवगत कराते हुए कहा कि सरकार द्वारा घोषित तीर्थ स्थलों पर अब कोई शराब मीट मांस नहीं बिकेगा, ब्रज क्षेत्र को पूरे तौर पर ड्राई एरिया में ही रखा जाएगा। जनसभा का संचालन ज्ञानेंद्र सिंह राणा ने किया। वहीं मीडिया प्रभारी श्याम सुंदर चतुर्वेदी ने कमल संदेश पदयात्रा की सफलता पर सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया।